आप सरेंडर हुए तो आप उसको भी बोल पाओगे, नहीं तो वो बोलेगा भाई मैं कैसे हूं, तो बोले हाँ मैंने भी तो कभी सरेंडर नहीं किया, मैं भी ऐसे ही डिसिप्लिन से जा रही थी। जैसे अभी इंडिया में कैसा है ना, ये जितने भी रास्ते पे मैकेनिक्स है ना, ये कोई इंजीनियर नहीं है, लेकिन जैसे गाड़ी बंद पड़ती है हम गैरेज में लेके जाते, बोलते जाते कार्बोरेटर में कचरा है, ये फिल्टर में प्रॉब्लम है, ये इसमें प्रॉब्लम है, और इंजीनियर रहता है वो मशीन से चेक करेगा, ऐसे करेगा वैसे करेगा, बाद में बताएगा आपकी गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। इज इट राइट? मतलब हम लोग भी जब इंटर्नशिप करते हैं आफ्टर डॉक्टर ना, हमको गांव में भेजा जाता है, तो हम सोचते हैं हमको गांव में क्यों भेजा, प्रैक्टिस तो हमको शहर में करनी है, प्रॉपर सिटीज़ में करनी है, लेकिन गांव में जब विदाउट रिपोर्ट करते हैं, विदाउट एनी मशीनरीज, विदाउट एनी गैजेट्स, ये सब हम ट्रीटमेंट करते हैं, इतना कॉन्फिडेंस आता है कि अरे कुछ भी नहीं था और हमने कर लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब मेरा भाई US में, वो इंडिया में कभी भी आता है वो कुछ भी यहाँ प्रैक्टिस नहीं कर पाता, बिकॉज वहाँ इतना डिसिप्लिन से मेडिकल प्रैक्टिस करवाते हैं ना, मतलब हर एक का ECG निकालना है, हर एक का ये करना वो करना, मॉनिटर करना, रिपोर्ट्स करना, और इंडिया में कैसे हम कैसे भी कर लेते। तो ये चीज़ है कि अभी आपने किया, भाव से किया, तो डेफिनेटली ये ज़्यादा आप इन्वोक करते हो, तो मास्टर्स गाइड करते हैं, एंजल्स आपको गाइड करते हैं, उसको भी गाइड करते हैं, आपको भी गाइड करते हैं, और वो चीज़ ऐसे ही हो जाती है ना। जैसे पहले डिलीवरीज कैसे डायाबाइस करते थे गांव में, उनको कोई थोड़ी पता रहता था, इज इट राइट? है अभी सबको पता है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देना, ये करना ऐसे करना वैसे करना, इज इट राइट? तो कहीं ना कहीं कैसा होता है कि अगर आप ईस्टर्नाइज्ड कल्चर के पर्सन हो तो सरेंडर होके करो, तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, आपकी देवियाँ शक्तियाँ हैं, आपके कॉन्शियसनेस है, जिस भगवान गुरुओं को मानते हो वही तो काम करने वाले, कर्ता भाव निकलना चाहिए स्पिरिचुअलिटी में, वो आए निकलना चाहिए, है ना, तो फिर वो इजी हो जाएगा। अदरवाइज आपको लगेगा मुझे नहीं लगता मुझसे हो पाएगा, मुझे नहीं लगा मुझसे हो पाएगा, बिकॉज हमने तो कभी ये सब किया ही नहीं, सोचा भी नहीं है, तो जस्ट यू हैव टू जंप इट। जैसे हम फर्स्ट टाइम ड्राइविंग करते हैं, फर्स्ट टाइम हम स्विमिंग करते हैं, हम जंप ही तो करते हैं ना, इज इट राइट? अगर मैं आपको कार ड्राइविंग नहीं सिखाऊं और कार का पूरा मैकेनिज्म सिखाऊं और बाद में बोलूंगा आप ड्राइव करो, तो बहुत डिफिकल्ट होएगा, इतने पार्ट्स होते, इतने कंपोनेंट्स होते, ऐसी इंजन होती है, ऐसा फ्यूल होता है, ऐसे ये होते हैं, इतने बटन्स होते, इतने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होती है, फिर चलाना मुश्किल है। मैं सीधा आपको कार में बिठा के बोलूँगा ये गियर है, ये ब्रेक है, ये एक्सेलेटर है, क्लच है, बस आप ये करते, बोला अच्छा ये चार पांच चीज़ें ना ये कर सकते हम, डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको, इज इट राइट? तो अपने गांव में जो कंपाउंडर होता है ना, उसके पास डॉक्टर से ज़्यादा नॉलेज होता है, क्योंकि उसने ज़्यादा प्रैक्टिकल किया है, इज इट राइट? मेडिकल स्टोर में भी जाओगे आप, बोलोगे मेरे को खांसी हो रही है, एक झटके में वो आपको एंटीबायोटिक दे देंगे, और डॉक्टर के पास जाएंगे बोलेंगे ये सारे टेस्ट करवाओ, और बाद में वही दवाई देंगे जो मेडिकल स्टोर वाला डायरेक्ट दे रहा है। दैट्स अ प्रैक्टिकल पार्ट। तो यहाँ प्रैक्टिकल सीखना है, थियोरी तो आपको यूट्यूब पे बहुत मिलेगी, मेरे टॉक्स भी मिलेंगे, दूसरों डॉक्टर ब्रेन वाइज के मिलेंगे, बहुत सारे लोगों के मिलेंगे आपको थियोरी, प्रैक्टिकल यहाँ पे करोगे तो मज़ा आएगा, कि बगैर कोई ज्ञान के आप सीधा डुबकी मार रहे हो और PLR कर रहे हो, वोम रिग्रेशन कर रहे हो करके। इसलिए मैं कल से आपको बोल रहा हूँ ये प्रोसीजर को ना बहुत बड़ा बताया गया, जब मैंने आज से 15 साल पहले सीखा तो आई पेड 85,000 फॉर दिस, और मैंने 3 बार सीखा तो तीनों बार मुझे सेम पेमेंट करना पड़ा, तो मुझे लगा इतना महंगा होता है, मतलब 2-2 लाख रुपया पे करने पड़ते हैं बस ये PLR सीखने को, है क्या ये चीज़? लेटाना है, रिलैक्स करना है और इंटेंशन से उसको कहीं ले जाना है, उसके लिए इतना पैसा क्या है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपने अभी ये किया तो अभी कॉन्फिडेंस आ गया, और एक दो करोगे और कॉन्फिडेंस आएगा, करना तो भाव से ही है, दिल से ही है, दिमाग से जितना करोगे ना तो वो भी अटकेगा, आप भी अटकोगे, बिकॉज आप लेफ्ट ब्रेन यूज़ कर रहे हो तो वो लेफ्ट ब्रेन यूज़ करेगा, इसमें क्रिएटिविटी आनी चाहिए, दैट्स अ राइट ब्रेन क्रिएटिविटी, एक तो इन्वोकेशन है, दैट इज अ हायर सेल्फ है, आपका सुपर कॉन्शियस माइंड है ना, सिंबल से वो काम करता है, ऊपर से क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी में कैसा होता है ना कि कभी आप उसको टनल से ले जाते हो, कभी ब्रिज से ले जाते हो, कभी गार्डन में ले जाते हो, कभी समुंदर किनारे ले जाते हो, दिस इज क्रिएटिविटी, समझ? मतलब आपको एकदम इंट्यूशनली होएगा कि ये इसको लगता है ना 5 एलिमेंट्स बहुत पसंद, मतलब इनको नेचर बहुत पसंद, चलो नेचर में ले जाए, इनको ये बहुत पसंद है, उनको ये ले जाए। जैसे अभी इन्होंने इनको पूछा भाई आप किसको ज़्यादा मानते हो, तो जैसे आपको समझ में आया ये इनको ज़्यादा मानते हैं, तो हम उनको ही इन्वोक करते हैं या उनका वास्ता दे के इनको लेके जाते हैं। तो काफ़ी बार ऐसे स्पिरिट्स भी ऐसे बाहर आती है ना रिग्रेशन के वक्त,
तो हमें पता रहता है कि ये किस माँ को मानते हैं, तो हम बोलते हैं अब ये माँ आई है और ये आपके अंदर के स्पिरिट को लेके जा रही है, इसको लेके जाने दो, तो बोलते हैं हाँ ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी वो माँ पे सरेंडर है, इज इट राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि हमें उनके हिसाब से सब करना है, अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है। तो इसलिए जो फर्स्ट स्टेप है PLR में, दैट इज कॉल्ड केस टेकिंग। केस टेकिंग में कैसा है ना, उनका जितना डिटेल निकालो ना, 50-70% तो PLR केस टेकिंग में ही हो जाता है, मैंने देखा है, बात करते 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 ही क्लियर हो जाता है। फिर तो सिर्फ क्या है, लेटाना है, स्टेप्स करना है, क्योंकि पहले ही आपको सीन तो समझ में आ गया कि नहीं, सीन तो समझ में आ गया कि अच्छा इसका ये है ये है। अभी इनके केस में कैसा है कि मदर की कॉन्शियसनेस और खुद की कॉन्शियसनेस दोनों मणिपुर चक्र पे, तो वो बार बार है ना सोलर प्लेक्सेस में टकरा रही थी, तो ऐसे बब्स आते, बिकॉज दो कॉन्शियसनेस है ना, दो लहरें टकराती है तो क्या होता है, ऐसे ऊपर आता है कि नहीं। तो इनके केस में भी ऐसा ही है कि कितने साल से वो दो कॉन्शियसनेस है, वो एकदम टकराती है फिर ऐसे ऊपर आती है। तो हमने चेन्नई में भी जब इनका किया तो वही हुआ, तो तब से मुझे पता था इनका केस क्या है। अब कैसा है कि हम समझते हैं कि नहीं समझते, हमको क्लियर करने से मतलब है, इज इट राइट? तो जब हमने ऐसे किया और जैसे अभी ये बोल रहे कि ऐसे सफ़े मतलब ठंडा कुछ ऐसे आया, मतलब एक हीलिंग की एक वेव आई और उस वेव ने उस कॉन्शियसनेस को डिसॉल्व कर दिया। अब सिंगुलर हो गए, अब वापस एक में ही आ गए, जो पहले दो था अभी एक में ही आ गए। तो मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, हमारे अंदर बहुत स्पिरिट पर्सनालिटीज़ हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये मदर की है, काफ़ी चीज़ें तो हमने अपने अंदर बचपन से भर के रखी है। नहीं, मेरे साथ हनुमान जी है, कुछ भी होगा तो हनुमान जी मुझे संभालेंगे, वो भी तो एक स्पिरिट पर्सनालिटी है, इज इट राइट? मतलब ओरिजिनल ताकत कहाँ पे है आपकी, आपने सब आर्टिफिशियली एक अपने अंदर एक स्टोरी बना के रखी है, सभी ने स्टोरी बनाई है और कुछ भी नहीं है। और उस स्टोरी को डिसॉल्व करना ही अलग अलग है करके, बिकॉज मदर भी जब वूम रहती है तो वो थपथपा के बोलती है बेटा डर मत, बस ये देवी है तेरी रक्षा करेगी, ये गॉड है तेरी रक्षा करेंगे। हमारे अंदर ना एक्सटर्नल फैक्टर्स को एंकरिंग किया गया है कि बाहर से कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, बाहर से कोई आपकी रक्षा कर रहा है, बाहर से कोई आपको संभाल रहा है। कभी ये नहीं बोला तुम्हारे अंदर वो गट्स है, तुम्हारे अंदर भी वो पॉजिटिविटी है, तुम्हारे अंदर भी वो पावर है और तुम ही वो कर सकते हो। आपने ये PK मूवी देखा, ओ माय गॉड मूवी देखी है कि नहीं? मतलब वो मजाक क्यों बनाया पिक्चर का, बिकॉज हम एक्सटर्नल गॉड गॉडेस से ज्यादा कनेक्टेड है। अदरवाइज तो एक शक्ति है, बिकॉज ये सारे गॉड गॉडेसेस ना ये तो मतलब डिफ्यूज हो गए नेचर में, इनका अस्तित्व कहीं पे भी नहीं है, एक्चुअली कहीं नहीं है। अगर वो रहते फिजिकल फॉर्म में तो ह्यूमन हो गए, आपको जैसे दिखते हैं तो वो ह्यूमन हो गए कि नहीं? मैंने इतने चैनलाइजिंग किए, मैंने इतने मतलब हीलिंग किए, इतनी अट्यूनमेंट किए, मुझे आज तक कभी भी ना ऐसा कोई फिजिकल फॉर्म में गॉड गॉडेसेस नहीं दिखे, ऑनेस्टली स्पीकिंग। स्टूडेंट्स को दिखते हैं तो शुरू में मुझे ऐसा गिल्ट हो रहा था कि मुझे क्यों नहीं दिख रहे, वो कह रहे अभी साई बाबा यहाँ खड़े थे और अभी इधर से इधर गए, तो मैं सोचता हूँ मुझे क्यों कभी साई बाबा नहीं दिखे, मुझे क्यों कभी वो नहीं दिखे, बिकॉज वो हमारी कल्पना में है कि ये साई बाबा ऐसे है, उनका ये कपड़ा ऐसा है, इनका ये ऐसा है। ये तो सब लाइट फॉर्म में है ना, लाइट फॉर्म को आप डिफाइन कैसे करोगे, समझ में कि नहीं? तो हमने पॉजिटिव चीजें और नेगेटिव चीजों को ना स्ट्रक्चर दिया है और उस स्ट्रक्चर को डिसॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। कुछ तो उसको हमने एक पिक्चराइज किया है, जैसे जितने बड़े बड़े डायरेक्टर्स होते हैं ना, राजकुमार ये वो, इतने अच्छे से ये लोग अंदर स्टोरी को कुक करते हैं ना, और जब वो कास्ट को सिलेक्ट करने के बाद नरेट करते हैं ना स्टोरी, तो वो कैरेक्टर को उसके अंदर डाल देते हैं और फिर वो जो भी एक्टर एक्ट्रेसेस रहता है, जैसे MS धोनी का किसने प्ले किया, सचिन तेंदुलकर का किसी ने डॉक्यूमेंट्री में प्ले किया, तो वो वैसा ही प्ले करेगा क्योंकि उसने उस कैरेक्टर को स्ट्रक्चराइज कर लिया अंदर। तो हमको लगता है सही में ये मतलब ये सुशांत ही वो MS धोनी है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम भी है ना कोई कोई कैरेक्टर से बहुत इंप्रेस्ड हो जाते हैं, कोई गॉड गॉडेस से बहुत इंप्रेस्ड हो जाते हैं और हम वैसे ही बिहेव करते हैं। मैं अभी सदगुरु के आश्रम में ना ऐसे लंच ले रहा था सुबह, यहाँ बाजू में बैठे थे एक एजेड पर्सन बैठे थे, सेम ऐसी ही दाढ़ी, ऐसी टोपी, ऐसे ही उन्होंने कपड़े, जैसे कि रियली वो सदगुरु है, बिकॉज इतना उनको फिजिकली फॉलो करना, मेंटली फॉलो करना, इमोशनली फॉलो करना, तो धीरे धीरे उनके स्ट्रक्चर भी ऐसे आ जाते।
देखा है कि नहीं, काफी आप शिरडी में भी देखो कि काफी लोग ऐसे ही देखो कपड़ा बांध के ऐसे घूमते रहते। इसी राइट, और क्या यहीं पे भी देवी की पूजा चलती है, आरती चलती है, तो सबके अंग में देवी ऐसी आती है, तो वो कहीं ना वो एक अंदर रहता है कि नहीं मेरी तो माँ है, मेरी तो माँ है, कभी भी है ना कोई पुकारेगा तो मेरी तो माँ एक्टिवेट हो जाएगी। और सही में वो एक्टिवेट होती है बिकॉज वो सोच के रखा है ना हमने। इज इट राइट? तो ये कल्पना की दुनिया से बाहर आना है, शक्तियां सबके अंदर है, सबके अंदर बराबर की शक्तियां हैं। तो फिर कभी कैसा ना कभी लगेगा, लो फील होता है, अरे आज लगता है पावर काम नहीं कर रहा है, आज लगता है देवी साथ में नहीं है, आज लगता है शिव जी देख नहीं रहे, आज लगता है कि ये नहीं है, फिर वो लो फील होता है हमें। अल्टीमेटली ये सारे प्रोसीजर्स में अपने अंदर की शक्तियों को जगाने के लिए है। अगर बाहर की शक्तियों पे आप डिपेंड रहोगे तो कब तक डिपेंड रहोगे, मुझे बताओ कब तक डिपेंड रहोगे आप? इज इट राइट? बिकॉज हर जगह तो आपको अकेला चलना है, आप कुछ भी करो आपको अपने आप को लेके चलना है, तो ऊपर वाला नहीं चाहता कि आप डिपेंडेंट रहो। कभी हो सकता है कि कभी जब जैनिज्म नहीं थी और वो लोग क्षत्रिय थे तो वो लोग भी तो शिव जी को मानते थे कि नहीं, इज इट राइट? लेकिन बाद में उन्होंने इतना अपने अंदर के देवी तत्व या गॉड तत्व को एक्टिवेट किया तो एक मतलब तीर्थंकर बन गए ये लोग, और जब तीर्थंकर बने तो वो शिवा नहीं रहा, तो अभी शिव जी को थोड़ी कोई वर्शिप करता है जैनिज्म में, करता है नहीं करते ना। तो मैं यही कहता हूँ कि हर एक को अपने अंदर के गॉड गॉडेसेस को बाहर निकालना है। हम जो बोलते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता, तो मतलब हर ह्यूमन बीइंग हमारे जैसे ही हैं जो अपने अंदर के गॉड को निकालते। जैसे एक ओशन होता है ना, उसमें से एक बूंद निकालो और उसकी आप लेबोरेटरी में टेस्ट करवाओ, कोई फर्क थोड़ी होने वाला है, सेम होगा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सेम होगा कि नहीं? ये बूंद का भी और कोई भी मतलब कहीं से भी बूंद निकालो ओशन में से, तो ऐसा नहीं बोल सकते ये बूंद और ये ओशन अलग है, उसी का एक पार्ट है। तो हम लोग भी क्या है ना, सब उसी का पार्ट है। जैसे हमारी डीएनए टेस्टिंग होती है ना पेरेंट्स की, तो हम बोलते हैं हाँ ये फादर इसका, ये मदर इसका डीएनए के हिसाब से ये है। इज इट राइट? तो सोल की भी डीएनए टेस्टिंग होगी तो पता चलेगा, अच्छा मतलब इसकी भी ये लाइट तो वही है जो ऊपर वाले की लाइट है, उसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, ये तो माइंड में डिफरेंशिएट किया कि नहीं ये राम की लाइट है, कृष्ण की लाइट है, ये हनुमान जी की लाइट है, लाइट तो लाइट है। इज इट राइट? यहाँ से नीचे से जो करंट आ रहा है यही पंखा चला रहा है, यही लाइट चला रहा है, ये प्रोजेक्टर चला रहा है। आप नहीं बोल सकते ये जो करंट है ना ये पंखे का करंट है, ये बल्ब का करंट है, करंट एक ही है। यू गॉट माई पॉइंट? तो हमें सभी को है ना वो अंदर की लाइट को एक्टिवेट करना है, और जब आप पूरी लाइट को एक्टिवेट करोगे उसको एनलाइटनमेंट कहते हैं। आपके सारे ब्लॉक्स निकल जाएंगे, आपके सारे ऑरा में जो ब्लॉक्स है, कंजेशन से या लीकेजेस है, जो ड्रेन हो रहे ऑरा में, ये सब चीज निकल जाएगी ना, फिर प्रकाश ही रहेगा। देन देयर विल बी ओनली लाइट एंड लव, दो ही चीजें तो रहेगी कि नहीं? तो मरने के बाद हम क्या बोलते हैं, बस इसकी आत्मा को हम लाइट में भेजते हैं, इसकी आत्मा को हम शांति देते हैं, ऐसा बोलते कि नहीं? राइट? तो हम जिंदा होते अगर ऐसा करेंगे ना, तो किसी का दुख दर्द ऐसा कुछ हम सीरियसली नहीं देंगे, कोई ऐसा सुख का भी अटैचमेंट नहीं और दुख से भी हम भागेंगे नहीं, हम सोचेंगे हाँ ये हो रहा है, जैसे कैमरा है ना ये देख रहा है मेरे को, ये सुन भी रहा है मेरे को, और इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस कैमरे को कि मैं कौन सा टॉक दे रहा हूँ, बस वो उसको रिकॉर्ड कर रहा है। इज इट राइट? तो हम भी फिर ऐसे ही हो जाएंगे, हम भी सिर्फ उसको ऑब्जर्व करेंगे, एब्जॉर्ब कुछ नहीं करेंगे, उसका पेन नहीं लेंगे, उसकी तकलीफ नहीं लेंगे, वो रोएगा तो हम रोएंगे नहीं, बिकॉज अब हम समझ गए कि भाई यहाँ कुछ निकल रहा है निकलने दो। जैसे एक सर्जन कैसा है, स्टोन निकालता है तो थोड़ी रोता है, बाप रे स्टोन निकल गया इसके अंदर से, पत्री निकल गया, बाप रे, ऐसे थोड़ी वो डॉक्टर रोते रहता है, वो निकाला और ये लो लैब में भेज दो, हाँ ये इसका हार्ट ब्लॉकेज निकल गया, ये लो। इज इट राइट? मतलब कभी ऐसा लग रहा था जैसे पिक्चर में शो करते हैं कि ये डॉक्टर देखो पत्थर दिल का है, ऐसे दिखाते ना, पोर्ट्रेट करते इसको, इस डॉक्टर को तो दिल ही नहीं है। लेकिन जब वो पिक्चर देखी मुन्ना भाई MBBS, उसमें बोलते हैं कि अगर हम भावुक हो जाते तो हम सर्जरी नहीं कर सकते, हमारे हाथ पैर हिलते। इज इट राइट और रॉन्ग? तो आप भी कभी PLR करते वक्त भावुक हो गए तो आप कैसे PLR करोगे? आपको तो जस्ट ऑब्जर्वेंट बनना है, आप देखोगे हाँ इसकी ब्रेथ पैटर्न देखो, इसकी टोनैलिटी देखो, है ना,
कि पहले कौन से टोन में बोल रहा था, आप कौन से टोन में बोल रहे हैं, इसके शब्द देखो कौन से शब्द का इस्तेमाल कर रहा है, इज इट राइट, इसकी आंखें देखो कैसी है, मतलब खुली है, बंद है, आंख में से कहीं पानी तो निकल नहीं रहा है, यॉनिंग कर रहा है, मतलब उसको ही तो ऑब्जर्व करना है। तो जब आप न्यूट्रल रहोगे तो अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे, कैमरे के जैसा। कैमरा न्यूट्रल है ना, अभी कैमरा न्यूट्रल है ना, इज इट राइट। तो ऐसा न्यूट्रल बन के रिग्रेशन करो आप, उसमें भावुक नहीं बनना है, हीलर बनना है, मतलब हार्ट चक्र को अपना ओपन रखना है, हीलिंग छोड़ते रहनी है, लेकिन कोई लेफ्ट ब्रेन नहीं, कोई जजमेंटल पार्ट नहीं आना चाहिए उस टाइम पे, नहीं तो उसके ऑरा को इंटरफियर हो जाएगा, राइट। सर्जरी अगर लिवर की हो रही है और डॉक्टर बीच बीच में पेशेंट को बोलेगा देख कितना दारू पिया तभी तो लिवर खराब हो गया, वो बेचारे को और गिल्ट में डाल देंगे, वो तब सर्जन थोड़ी कुछ बोलने वाला है, उसका लीवर का सिरोसिस जो सड़ा हुआ पार्ट है वो निकाल देगा ऐसा है करके, राइट। तो यही हमारा भी कैसा होता है कि हम सोल की सर्जरी कर रहे हैं यहाँ पे, पास्ट लाइफ रिग्रेशन मतलब वूम रिग्रेशन, सोल सर्जरी कर रहे हैं। सर्जरी करते वक्त आपको न्यूट्रल रहना है इन्वोकेशन में, और आपको हार्ट चक्र अपना ओपन रखना है कि बस बीच में जब भी तकलीफ हो मेरे यहाँ से हीलिंग पास हो जाए, आपको जस्ट एक माध्यम बनना है, एक कैटलिस्ट बनना है, आपको उसमें घुसना नहीं है अंदर, नहीं तो फिर आप बहुत भावुक हो जाओगे। और वो जैसा जो कर रहा है उसको करने दो उस टाइम पे, जैसे वो टाइम फ्रेम का था ना कि ज़्यादा पॉज चाहिए, जो सुबह जो बात चल रही थी, बिकॉज सोल को टाइम नहीं समझता है, थेरेपिस्ट जल्दी जल्दी में चल 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 8-7 हुआ रिलैक्स, चलो आगे रिलैक्स और रिलैक्स, मतलब हम मेंटली बहुत लॉजिकली बहुत जल्दी रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको तो आराम से एक एक नहीं मुझे देखना है, मुझे उस सिचुएशन में रहना है, थोड़ा उस सिचुएशन को समझना है, बस उसके भाव को समझ लो और उतना पॉज दे दो, मतलब हम कनेक्ट भी हैं लेकिन अटैच नहीं है, ये वर्ड का डिफरेंस समझ में आ रहा है, हम कनेक्ट भी हैं लेकिन अटैच नहीं है, कनेक्ट इसलिए हैं बिकॉज हमें उसके हिसाब से चलना है, और अटैच इसलिए नहीं है कि नहीं तो फिर हम लोग अपनी पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो होने ही नहीं देंगे, हम भी अपनी इमोशनल एनर्जी उसके साथ फ्लो कराएंगे, तो फिर वो हील कैसे होगा। तो जब स्पिरिट्स भी ऐसे कभी आती है हमको रिलीज करनी है ना, हम कंपैशनेटली बोलते हैं भाई तेरा टाइम आ गया है भगवान की लाइट में मर्ज होने का, कब तक तू यहाँ वहाँ भटकेगा करके, और क्या फ़ायदा है, इज इट राइट। उसको कहीं ना कहीं तो फ्रीडम चाहिए कि नहीं, कोई ना कोई तो रिलीज करने वाला चाहिए कि नहीं। अभी आप देखते हो कि कहीं ना कहीं सारंगपुर में इधर उधर लेके जाते हैं, गले में कुछ बांधते हैं, कैसे चिल्लाते हैं चीखते हैं, ये कंपैशनेट वे थोड़ी है, ये तो हार्श है ना, कितना एग्रेसिव तरीका है कि हाथ बांधना, पैर बांधना, गले में साकली डालना, चेन डालना, है ना, ये सब रॉड्स डालना। हम स्पिरिचुअलिटी पे बहुत कंपैशनेटली उसको रिलीज़ करते हैं, पितृ दोष को निकालते हैं, काल सर्प दोष को निकालते हैं, कोई वास्तु के दोष को निकालते हैं, जो भी दोष के पार्टिकल्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम एकदम प्यार से रिलीज़ कर देते हैं, तो पता ही नहीं चलता कब ये चीज़ गायब हो गई करके, एंड दैट इज़ ब्यूटीफुल थिंग, इज इट राइट। आई होप आप समझ गए ना कि कितना ईजिली हमको करना है उसमें, इसलिए अगर आपका फियर रहेगा आप कैसे रिग्रेशन करोगे, आप बोलोगे मुझे तो आता नहीं, मैंने तो सीखा नहीं है, मैं तो अभी सीख रही हूँ, तो वो भी डर रहा है, आप भी डर रहे हो, और दो लोगों का अगर रूट चक्र में फियर एक्टिवेटेड है तो दो तो फिर वो पास्ट लाइफ में जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि आपका ही चक्र एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, उसका भी चक्र एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, दोनों के फियर एक्टिवेट हो गए, इज इट राइट। आपको एकदम कॉन्फिडेंसली बैठना है कि नहीं जो हो रहा है मुझे पता है ऊपर वाला अच्छा ही करेगा, समझ में कि नहीं, तो वो ज्यादा बेटर है। आप देखो जो सर्जन सर्जरी करते हैं ना वो ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि उनको पता है इसके बाजू में ये नस है, ये कट जाएगी, ये कट जाएगी। जो नर्स होती है ना, असिस्ट करती है ना, या कोई नया असिस्टेंट होता है ना, उसको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, वो तो आराम से वो सीजर देता है, फोरसेप देता है, ये रिट्रैक्टर देता है, कि उसको थोड़ी कोई लॉजिक है कि हाँ कुछ कटने वाला है, उसको डर ही नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वो तो एकदम सरेंडर होके कहते हैं हाँ ये लो ये करो, इसका ऑपरेशन करो, ऐसा है। तो हमें भी वो इनोसेंटली करना है, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है इसमें, नहीं तो फिर आप डर जाओगे, वो सामने वाला सरेंडर नहीं होगा, फिर वो सेशन ही नहीं होगा आपका। हम ही आपको आपस में करना है, कोई ऐसा एक्सपर्ट नहीं होने वाला है। हमने भी हमारे टीम मेंबर्स के जब भी रिग्रेशन किए ना,
आपस में ही करा है। अभी भी वृंदावन के रिट्रीट में हमने आपस के एक टीम मेंबर का एक दूसरे से करवाया, और काफ़ी बार तो पार्टिसिपेंट्स ही हमारे टीम मेंबर्स का करते हैं, ऐसा नहीं कि टीम मेंबर का भी कोई एक्सपर्ट करता है। हम कर बोलते हैं हाँ कर लो, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी जगह पे मेहुल ने भी मेरा रिग्रेशन किया था, है कि नहीं, 2-3 साल पहले यहीं कहीं कमरे में किया, रात को भी 12 बजे। इसने बोला सर मुझे आपका पास्ट लाइफ करना है, बोला कर दो, तो मैं तो लेट गया, इसने मेरा किया और जो जो हुआ वो हुआ अच्छे से। दूसरे दिन मॉर्निंग में सब लोग ने ब्रेकफास्ट के वक्त बोला कि कुछ हुआ क्या, हमने बोला क्यों क्या हो गया, बोले नहीं नहीं हमारे कमरे में ना रात को 12:30 बजे से लाइट आई करके, तो इसने बोला हाँ उसी टाइम पे मैंने सर का किया और सर के यहाँ से थर्ड ऐसे लाइट निकली, तो दूसरे लोगों ने भी रूम में फील किया वो, समझ में कि नहीं। तो इट इज़ सो ईजी, ऐसा नहीं है कि अरे ये क्या मेरा करेगा, बिकॉज एक बार आप लेट गए, एक बार आप सरेंडर हो गए, फिर वहाँ फियर नहीं होना चाहिए, फिर सिर्फ आपका एक ही चक्र है हार्ट चक्र, वो एक्टिव रहना चाहिए, बाकी कोई चक्र को आप ज़्यादा कनेक्ट मत करने दो अपने क्लाइंट से, रूट का रूट नहीं, सैक्रल का सैक्रल नहीं, मणिपुर कनेक्ट मत कर रहा, नहीं तो फिर कैसा है ना, वो कार्मिक एब्जॉर्प्शन होगा, उसका पेट में दर्द, आपका पेट में दर्द, उसको इमोशंस, तो आपका भी सैक्रल चक्र में इमोशंस एक्टिवेट, इसे समझ में आ रहा है कि नहीं, उसकी इनसिक्योरिटी एक्टिव हो गई तो आपकी भी एक्टिव हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोग का। जस्ट आप अपना हार्ट चक्र खोल के कर लो, बात खत्म हो गई, ठीक है कि नहीं, राइट। सो एनी क्वेश्चन, मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई, बिकॉज बाद में तो मैं स्टेप सिखाऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं सिखाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ पहले ऐसे ही डुबकी मार लो एक बार, फिर उस जिसे यस ड्यूरेशन तो होता ही नहीं, मैं ये कहता हूँ कुछ लोगों का 1 घंटे में रिग्रेशन होता है, कुछ हमने यहाँ पे 4-4 घंटे भी रिग्रेशन किए, 4-4, 5-5 आवर्स भी चलता है, बिकॉज क्या है ना कि सोल को तो टाइम समझ में ही नहीं आता है, वो तो कहीं पे भी जाता है, बीच बीच में एक क्वेश्चन पूछना पड़ता है, शैल आई कंटिन्यू, आप कंफर्टेबल हो और आगे जाएं कि आपको बाहर आना है, ये क्वेश्चन पूछते रहो बीच बीच में। देखो शुरू में एक क्वेश्चन पूछना है और एंड में और बीच में एक क्वेश्चन, शुरू में कौन सा क्वेश्चन पूछना है, नहीं वो रेडी वाला तो ठीक है, वो रेडी वाला तो हमने स्टार्टिंग में कर दिया, शुरू में ये क्वेश्चन बार बार पूछना है कि क्या आपको कुछ फील हो रहा है, क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा है, क्या आप कुछ बोलना चाहोगे, क्या एक्सप्रेस करना है, ये शुरू में आपको पूछते रहना है। एक बार वो चला गया और उसने स्टार्ट कर दिया बोलना, फिर बीच बीच में आप ये पूछ सकते हो क्या आपको लगता है और कंटिन्यू करना चाहिए या आपको लगता है कि बाहर आना चाहिए। सी दिस इज ओनली द 2 क्वेश्चंस वी आर आस्किंग, क्योंकि उसको पता है कब क्लोजर करना है, समझ में कि नहीं, तो वो कहेगा हाँ अब मुझे लगता है बहुत हो गया, मुझे आगे नहीं जाना है, जैसे इन्होंने आज सुबह बताया कि नहीं मुझे आगे नहीं जाना है, यहीं से मुझे बाहर निकालो, तो बिकॉज अब सेंस हो रहा है ना, बिकॉज ये हिप्नोटिक वे थोड़ी है, मेडिटेटिव वे, हम अवेयरनेस में हैं, तो डेफिनेटली फिर हम उसको सामने वाले के हिसाब से करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं और खोलते जाओ और खोलते जाओ और लाइफ खोलते जाओ और खोलते जाओ, ये ऐसा नहीं चलेगा, एक कैटरेक निकाला दूसरा कैटरेक निकाला, ऐसा डॉक्टर्स कभी नहीं करते। आज एक कैटरेक का ऑपरेशन के लिए लिया तो एक ही लेंगे, 15-20 दिन के बाद बोलेंगे दूसरा मोतिया निकालने के लिए आ जाओ, इज इट राइट, ठीक है, यस। हाँ राइट राइट, आज मैं सिंबल्स भी डाल रही थी, हाँ आई वाज नॉट एबल टू, हाँ मींस वो कुछ अलग ही लग रहा था, हाँ एंड आई वाज फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल, इतना अनकंफर्टेबल कि मैंने इयररिंग्स वगैरह भी निकाल के रखे, हाँ एंड देन आई मींस अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं उठ के बैठ जाऊं, हाँ एक तो थोड़ा डिस्टरबेंस भी, हाँ आई वाज कंसर्नड, राइट राइट, कल डिस्टरबेंस कल भी था राइट राइट, बट येट एवरीथिंग वाज फाइन। द रीजन इज वेरी सिंपल, उस टाइम पे जो चीज़ें हम नहीं निकालना चाहते ना उसके लिए हम रेजिस्ट करते हैं।